ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੋ ਲਾਡਲਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਵੈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕੈਦ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਏ ਪਹਿਲੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਗੀ ਪਹਿਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਗੀ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਹਮ ਕਈ ਮਾਫੀ ਤਲਾਫੀ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਖਾਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਕਾ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, मैं हूँ माहविश तबस्सुम। नाज़रीन, खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। खान साहब की अपनी काबीना के जो लोग हैं वो खान साहब के खिलाफ बोल रहे हैं। मलिक रियाज, आज़म खान समेत बहुत सारे और लोग हैं जो कि वादा माफ गवाह बन रहे हैं। पाकिस्तान पर बैरूनी प्रेशर भी बहुत है। सर, क्या इन हालात में आपको लगता है कि खान साहब को माफ़ी मिलने का कोई चांस है, कोई इम्कान अब नज़र आता है? आफरीन है आप लोगों पर यार, आप किस किस्म के मुसलमान हैं, जन्नत में भी जाना चाहते हैं, मरना भी नहीं चाहते। पहले सजा तो होने दें, उसको फिर माफी की बात होगी ना यार। माफी यानी सजा हुई नहीं, जेल हुई नहीं, कैद हुई नहीं, माफी पहले हो जाए यार। कमाल है किधर तुसी लोग की जानते हो यार इस मुल्क नाल। यानी कान भी अजीब आदमी है, अजीब किस्म का लाडला है वो, अपना आप को लाडला, उसने अपना बुत बनाया हुआ है और खुद उसी बुत की अपना वो जो है ना उसके चक्कर लगाता रहता है, उसकी पूजा करता रहता है, प्रस्तुति करता रहता है। कम डाउन फ्रॉम दिस पेडेस्टल। पहले सजा होगी, पहले जेल होगी, उसके बाद जाके हम कहीं माफी तलाफी की बातें करेंगे। मुजरिम है खान इस मुल्क का, उसने बहुत जराइम किए हैं, उसने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, उसने इस मुल्क की आने वाली नस्ल को खराब किया है। और वो पता नहीं, अल्लाह उनको लंबी जिंदगियां दें, कितना टाइम लगता है उनको हकीकत बताने में, उनको सच दिखाने में, उनको उनको सही और गलत में तमीज सिखाने में, पता नहीं। तो खान को सजा तो मिलनी चाहिए ना पहले। जब सजा मिलेगी, भुगतेगा 13-14 साल चक्की पीसेगा, उसके बाद माफी की बात कर लेंगे मैं और आप। आपका मूड ऑफ हो गया मेरा जवाब सुन। नहीं नहीं सर, मेरे नहीं, कोई बात नहीं। इसराइल की मुजम्मत कर दी है, कहा है कि जो मुसलमानों पर जुल्म करता है उसको पाकिस्तान के मामला में बोलने की जरूरत कैसे है? सर, अब तो ठीक है ना, अब तो उन्होंने कर दी मुजम्मत। माविश, क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रही हैं, बच्ची हो गई हैं आप बिल्कुल ही। यानी मैं आऊं, मैं आपके घर को आग लगा दूं, उसके बाद मैं कहूं ओ मावेश आई एम सॉरी यार, गलती हो गई, मैं इसकी बड़ी सख्त मजम्मत करता हूं, आइंदा ऐसे नहीं होगा, किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए किसी के घर में आग लगाने की। सारा कुछ कर दिया उसने इस मुल्क में, उसके बाद अब वो मजम्मत कर रहा है। वो मजम्मत सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो जो उसने टोटके बनाए हुए थे ना, इया का नाबुदू, इया का नस्तीन वगैरह, जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था मजहबी टच देके, वो टच उसका फेल हो गया, एकदम एक्सपोज हो गया। कि पहले आप देखें IMF उसको मिलने आ रहा है, कभी किसी को नहीं किया मिलने, अब उसको मिलने आ रहा है। फिर इसराइल उसके लिए ये स्टेटमेंट दे रहा है, अमेरिका से कांग्रेसमैन जो है उसके लिए वो पिटिशंस दायर कर रहे हैं, बरतानिया में जो थिंक टैंक्स है वो उसके हक में बातें कर रहे हैं। कमाल नहीं है? अब आपको नहीं पता चलता कि वो किसका ब्रेन चाइल्ड है सर। लेकिन खान साहब और बुशरा बीबी की जो इद्दत का फैसला था वो सिविल कोर्ट ने पहले नाकाबिले समाअत करार दे दिया, लेकिन अब सेशन कोर्ट ने उसको काबिले समाअत करार दे दिया है। सर, ये तो ज्यादती नहीं है इस केस को इतना ज्यादा घसीटना? क्यों, ज्यादती क्या है? मतलब मैं 11 साल से हर केस भुगत रहा हूँ, मेरे साथ तो आपने कभी नहीं सारे यकजहती किया, गलत केसेस में 11 साल से मैं धक्के खा रहा हूँ। नहीं सर, आपके साथ भी मैं करती हूँ। जी नहीं नहीं, आपने कोई ऐसे नहीं किया, वो अब आप अपने खान की वजह से आप कर लें तो आपकी मेहरबानी। दूसरी बात यह है कि आप ऐसा करते हैं कि बात यह है कि केस होने तो देना, गवाह भी तो मौजूद है ना, मुफ्ती सईद साहब भी मौजूद हैं जिन्होंने कराया था, वो गवाहान भी मौजूद हैं। एक आदमी ने गलत काम किया, उसको क्यों ना सजा मिले, क्यों उसको अपना जाने दें, क्यों उसको छोड़ दें, या फिर कह दें कि यह इस्लामी निज़ाम नहीं है, इस्लामी मुमलिकत नहीं है, फिर ठीक है, फिर ना दें उस पर सजा, लेकिन ताज़ीरात इस्लाम तो लगेगी अगर ये इस्लामी मुमलिकत है तो। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह।